नमस्कार दोस्तों दोस्तों अभी अभी कुछ देर पहले वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। वैज्ञानिकों ने यह खुलासा एक बहुत बड़े उल्कापिंड के संबंध में किया है। दरअसल उल्कापिंड अंतरिक्ष में घूमने वाले पत्थर होते हैं जो इतने बड़े होते हैं कि अगर ये किसी प्लेनेट से टकरा जाए तो दुनिया तबाह कर सकते हैं। ये एस्टेरॉयड आकार में काफी बड़े होते हैं। दोस्तों वैसे तो धरती के करीब से एक एक करके कई उल्कापिंड पृथ्वी से लाखों मील की दूरी से निकल जाते हैं, लेकिन इस बार पृथ्वी की तरफ एक नहीं बल्कि दो दो उल्कापिंड एक साथ एक ही दिन आ रहे हैं। ये उल्कापिंड अंतरिक्ष में बिन्नू और अपोफिस के बाद सबसे बड़े उल्कापिंड माने जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन दो खतरनाक उल्कापिंडों जो पृथ्वी की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। इन उल्कापिंडों से पृथ्वी को खतरा है या नहीं, क्या ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा सकते हैं, आज इस वीडियो में हम आपके लिए इसी बारे में पूरी जानकारी लाए हैं। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि इस चैनल की हर वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों दरअसल वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से आ रहे उल्कापिंडों को लेकर डर लग रहा है कि कहीं ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से न टकरा जाए। वैज्ञानिक कई सालों से इन दोनों उल्कापिंडों पर नजर रख रहे थे। दरअसल ये दोनों उल्कापिंड ही 21 जुलाई को हमारे पृथ्वी के अक्ष तक पहुंच जाएंगे। 21 जुलाई 2021 को सुबह 5:32 पर 2021 NB6 नाम का उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आएगा। दूसरा उल्कापिंड 2021 NA8 ठीक उसी दिन रात को 7:51 पर धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा। ये दोनों उल्कापिंड आकार में काफी घातक बताए जा रहे हैं। दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराएंगे। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि ये दोनों ही उल्कापिंड पृथ्वी से नहीं टकराएंगे। इन उल्कापिंडों की पृथ्वी से टकराने की संभावना 100 में से 0.001% है। पहला उल्कापिंड तो पृथ्वी से 9,20,000 किलोमीटर की दूरी, तो दूसरा उल्कापिंड पृथ्वी से 14,00,000 किलोमीटर की दूरी से निकलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि इन उल्कापिंडों से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है।